ओम शांति। 1 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे साय 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी यदि मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर आप भी जुड़ सकते हैं। यदि लिंक नहीं मिल रहा है तो आप व्हाट्सएप पर भेज करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप दोनों अवस्थाओं में नहीं प्राप्त कर पाते या इस समय पर जुड़ नहीं पाते, आपके पास व्हाट्सएप से या किसी भी तरीके से यूट्यूब से आप इस वीडियो को देखते हैं तो उस समय देखते हुए आप देखें कि कोई बात आपको स्पष्ट नहीं है या आप उसको जानना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर लिखकर भेज दे। तो आप लिखकर भेज देंगे तो हम उसे भी मुरली के अंदर शामिल कर लेंगे। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम सिद्ध करके बताओ कि वेद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। जो वेद का बाप है वो हमारा बाप भी है और शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। वो सर्वव्यापी नहीं है। चार बातें हमें सबको समझानी है, बाप, शिक्षक और सतगुरु है। वो सर्वव्यापी नहीं है। ये बातें हम सभी अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए हम इसे यहां रिपीट नहीं करेंगे। प्रश्न, इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? इस समय दुनिया के अंदर अति दुख क्यों है? दुख का कारण बताओ, क्या कारण है कि सारा संसार दुखी है? सारी दुनिया इस समय राहु की दशा है। सारी दुनिया पर इस समय क्या है? राहु की दशा। ये क्या होता है राहु की दशा? शनि अलग चीज है, राहु अलग चीज है। राहु क्यों कहा, राहु की दशा क्यों कहा? बाबा बोल रहे हैं यहाँ पे सारी दुनिया अपने आप को देख में समझ रही है ना, आत्मा को भूल रही है, इसीलिए राहु की दशा है। राहु राक्षस को कहा जाता है। राहु एक राक्षस है, केतु भी एक राक्षस है। इनके बारे में आपको मालूम है कि इन्होंने झूठी कहानी के मुताबिक क्या किया था, अमृत पान कर लिया था, जिसलिए इनका दोनों का सिर काट दिया गया था और जहां पर इनका सिर से खून गिरा वहां लहसुन और प्याज पैदा हुआ था। ये है गपोड़ कहानियां। और फिर दूसरा, उस गपोड़ कहानी के मुताबिक ये राहु को की शिकायत सूरज ने की थी, इसलिए राहु क्या करता है, सूरज को खाने के लिए जाता है। और चंद्रमा ने केतु की शिकायत की थी, चंद्र ग्रहण लगता है तब केतु चंद्र को खाने के लिए जाता है। उस समय जो शूद्र होते हैं, जब ग्रहण लगता है उस समय वो गलियों में भागना शुरू कर देते हैं दान लेने के लिए। दे दान तो छूटे ग्रहण, दो दान तो छूटे ग्रहण, ऐसे गलियों में वो बोलते फिरते हैं और कहते जी जल्दी जल्दी दान करो, ग्रहण छूट जाएगा। क्योंकि वो जल्दी जल्दी नहीं करेंगे तो भी ग्रहण खत्म होना है, छूट जाना है। तो जल्दी जल्दी का मतलब है जितना जल्दी ज्यादा घरों से हम इकट्ठा कर सके, वो शोर मचाते जल्दी जल्दी करो, दान करो, दो दान तो छूटे ग्रहण, दो दान तो छूटे ग्रहण। तो उस वक्त तुम दान करोगे तो ये ग्रहण छूट जाएगा, नहीं तो ग्रहण छूटेगा नहीं। वो
वो अपने टाइम पे छूट ही जाएगा। तो राहु और केतु का लिए वो कहते हैं सूरज को राहु ग्रसने आता है और केतु चंद्रमा, इस कारण दुखी है। वास्तव में राहु का मतलब है हम देह अभिमानी बन जाते हैं जिसके कारण हमें दुख होता है। वृक्षपति बाप जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है और वो क्या करते हैं, हमें आत्म अभिमानी बना देते हैं। और आत्म अभिमानी बनने से हम दुखों से मुक्त हो जाते हैं। रावण का नाम और निशान नहीं है, बृहस्पति की दशा हो जाती है तो रावण का नाम और निशान नहीं है, इसलिए वहां दुख होता नहीं। बाप कहते हैं सुख धाम की स्थापना करने, उसमें दुख हो नहीं सकता। बाप आए हैं क्या करने के लिए आए हैं, सुख धाम की स्थापना करने के लिए जहां दुख हो नहीं सकता। यहां पर क्या नहीं हो सकता है, दुख नहीं हो सकता, क्योंकि सुख होता है जब हम आत्मा समझते। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे ये जानते हैं हम कौन है, हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं। अपने घर से हम बहुत दूर से यहां आए, कहां से आए हो भाई आप, हाँ परमधाम से आए हैं, बहुत दूर से आए। कितनी देर में पहुंचे थे आप यहाँ, दूर था वो, सेकंड में पहुंच गए हम। और बाबा कहता है बहुत दूर से आए हो, एक सेकंड में परमधाम से हम यहाँ आ गए। क्यों 5,000 क्यों लगे, 5,000 साल के बाद तो फिर दोबारा संगम में आएंगे भाई, हम परम धाम से तो एक सेकंड में आ गए थे ना। बस बाबा से मिलन 5,000 साल बाद कर रहे हैं, परंतु ये थोड़ा है कि हम जो है ना 5,000 साल में आए हैं बाबा से मिलन 5,000 साल। हाँ, परंतु हम आत्माएं तो परम धाम से एक सेकंड में आ गए थे। अपने घर से हम बहुत दूर आते हैं, आकर के इस शरीर में प्रवेश करते, आकर के क्या करते हैं, इस शरीर में प्रवेश करते हैं पार्ट बजाने के लिए। पार्ट बजा आत्मा ही बजाती है, पार्ट कौन बजाती है, आत्मा ही बजाती है। यहां बच्चे बैठे हैं अपने को आत्मा समझ बाप की याद, अपने को आत्मा समझकर किसको याद कर रहे हैं, बाप की याद में, क्योंकि बाप ने समझाया है याद से तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। इसको योग भी नहीं कहेंगे, इसको योग भी नहीं कहना चाहिए, समझ रहे हैं बात को, याद कहना चाहिए। क्यों योग नहीं कहना चाहिए, क्योंकि योग तो सन्यासी लोग सिखलाते, योग सन्यासी लोग सिखलाते हैं। स्टूडेंट को का टीचर से भी योग होता है, बच्चों का बाप से योग होता है। ये है आत्माओं और परम आत्मा का, अर्थात बच्चों और बाप का मेला, ये है बाप और बच्चों का मेला, ये है कल्याणकारी मिलन। हम आत्माओं का परमात्मा से मिलन क्या है, ये कल्याणकारी मिलन है, बाकी तो सब हैं अकल्याणकारी।
बाकी सब क्या है? अकल्याणकारी। पतित दुनिया है ना, तुम जा प्रदर्शनी, तुम जा प्रदर्शनी व म्यूजियम में समझाते हो, तो आत्मा और परमात्मा का परिचय देना ठीक है। आत्मा और परमात्मा का परिचय देना ठीक है। आत्माएं सब बच्चे हैं, आत्माएं सब बच्चे हैं, और वह है परम पिता परम आत्मा, जो परम धाम में रहते हैं। परम पिता परमात्मा कहाँ रहते हैं? परम धाम में रहते हैं। कोई भी बच्चे अपने लौकिक बाप को परम पिता परम आत्मा नहीं कहेंगे, कहेंगे लौकिक बच्चे कभी अपने पिता को लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे। परम पिता को दुख में ही याद करते, परम पिता को दुख में ही याद करते हैं, है हे परम पिता परम आत्मा, हे परम पिता परम आत्मा। परमात्मा रहते ही हैं परम धाम में। अब तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो समझते हो, तुम आत्मा और परम आत्मा का ज्ञान तो समझते हो, तो सिर्फ ये नहीं समझना कि दो बाप है, दूसरों को ये नहीं समझाना कि तुम्हारे दो बाप है, वे बाप भी है, वो शिक्षक भी है। ये जरूर समझाना है कि परम पिता परमात्मा जो है वो हमारा बाप भी है, हमारा शिक्षक भी है, हम सब भाई भाई हैं, वो हम सभी आत्माओं का बाप है, वो एक दो का नहीं सभी आत्माओं का बाप है। भक्ति मार्ग में सब भगवान बाप को याद करते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान से भक्ति का फल मिलता है, भगवान से क्या मिलता है? भक्ति का फल मिलता है। अथवा बाप से बच्चे को वर्षा लेते हैं और भगवान भक्ति का फल देते हैं। भगवान क्या देते हैं? भक्ति का फल देते हैं। किसको देते हैं? बच्चों को। किसको देते हैं? बच्चों को। क्या क्या देते हैं? विश्व का मालिक बनाते, विश्व का मालिक बनाते हैं। परंतु तुमको सिर्फ बाप नहीं सिद्ध करना, तुमको सिर्फ बाप नहीं सिद्ध करना, वो बाप भी है तो शिक्षा देने वाला भी है, वो हम सबको क्या करते हैं? शिक्षा भी देते हैं। सतगुरु भी है, शिक्षा देने वाला भी है और उसके साथ क्या है? सतगुरु भी है। ऐसे समझाओ तो सर्वव्यापी का ख्याल निकल जाएगा, तो क्या होगा? सर्वव्यापी का ख्याल उड़ जाएगा। ये ऐड करो, सिर्फ दो बाप बताकर छोड़ नहीं दो, ये भी क्या करो? ऐड करो। हाँ, बाप है तो बाप तो फिर सब जगह नहीं हो सकता, बाप हमारे में तो नहीं हो सकता, बाप किसी वस्तु में भी नहीं हो सकता, वो हमसे मिलके पढ़ाता है। तो परमात्मा सर्वव्यापी में हमें, मेरे में परमात्मा है, वो मुझे पढ़ा रहा है, फिर वो कैसे सर्वव्यापी हुआ? कहते हमारे में भी तेरे में भी सब में परमात्मा, पढ़ाने वाला अलग है ना, पढ़ने वाले अलग है ना। ये बात उनको साथ साथ समझाएंगे तो उनका सर्वव्यापी वाला पार्ट जो बुद्धि में बैठा हुआ है वो निकल जाएगा। ये बाबा ज्ञान का सागर है, आ करके राजयोग सिखलाते हैं। बोलो, वो टीचर भी है, शिक्षा देने वाला, तो फिर सर्वव्यापी
कैसे हो सकता है? टीचर जरूर अलग है, स्टूडेंट अलग हैं, जैसे बाप अलग है, बच्चे अलग हैं, आत्माएं परमात्मा बाप को याद करती हैं, उनकी महिमा भी करती हैं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वो आ करके हमको मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम स्वर्गवासी बनते हैं, साथ साथ ये भी समझाते हैं कि दो बाप हैं। कितने बाप हैं? दो बाप हैं। लौकिक बाप ने पालना की, फिर टीचर के पास जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, फिर 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए गुरु करना पड़ता है। 60 साल के बाद वानप्रस्थ में जाने के लिए गुरु करना पड़ता है। बाप टीचर गुरु अलग अलग होते हैं। ये बेहद का बाप तो सभी आत्माओं का बाप। बेहद का बाप क्या है? सभी आत्माओं का बाप है, ज्ञान सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत चित आनंद स्वरूप है। बीज रूप है और सत चित आनंद स्वरूप है। सुख का सागर, शांति का सागर, उनकी महिमा शुरू कर दो, गाते जाओ महिमा। प्रेम का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर। क्योंकि दुनिया में मतभेद बहुत है ना, सर्वव्यापी अगर हो तो फिर टीचर बन पढ़ाएंगे कैसे? मेरे अंदर परमात्मा है, आपके अंदर परमात्मा है, सबके अंदर परमात्मा है, फिर वो टीचर बनकर पढ़ाएगा कैसे? अंदर भी हमारे है, बाहर भी है। बाहर वाला पढ़ा रहा है, अंदर वाला चुपचाप बैठा, क्या मतलब? फिर सतगुरु भी है, सभी को गाइड बन ले जाते हैं, शिक्षा देते हैं, अर्थात याद सिखलाते हैं, अर्थात याद सिखलाते हैं। भारत का प्राचीन राजयुग भी गाया हुआ है, पुराने ते पुराना है संगम युग, नई और पुरानी दुनिया का बीच, तुम समझते हो आज से 5000 वर्ष पहले बाप ने आकर अपना बनाया था, अपना बनाया था, और हमारा टीचर सतगुरु भी बना था। वे सिर्फ हमारा बाबा नहीं है, वे तो ज्ञान का सागर अर्थात टीचर भी है। हमको शिक्षा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, क्योंकि बीज रूप वृक्षपति है। वे जब भारत में आते हैं तब भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग में सब सदा सुखी देवी देवताएं होते हैं, सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। जब फिर दुनिया तमो प्रधान होती है तो सभी पर राहु की दशा बैठती है। वृक्षपति को कोई भी जानते वृक्षपति को कोई भी जानते नहीं, ना जाने। बृहस्पति की दशा को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। बृहस्पति वृक्षपति है, नहीं? बृहस्पति गुरु है, इसलिए बाबा ने आज गुरु को लिया है। तो बृहस्पति वार को ही स्कूल में बिठाया जाता था, हमारे टाइम में वीरवार ही स्कूल में एडमिशन करते थे, फिर पतासे बांटे जाते थे कि आज बच्चे ने क्या लिया है, एडमिशन लिया है। तो बृहस्पति गुरु को कहा जाए, गुरुवार भी बोलते हैं ना। हाँ जी, बृहस्पतिवार को गुरुवार भी बोलते हैं, गुरुवार भी कहते हैं उसको, ठीक है? इसलिए हमारा गुरुवार को भोग भी लगता है भगवान को खुश करने के लिए,
या बच्चों को खुश करने के लिए। ओम शांति भाई जी, ये इसको शांति के डरे भी बताए गए हैं। हां जी, बृहस्पति को शांति का ग्रह भी बताया गया। बृहस्पति को शांति का ग्रह भी कहते हैं। राहु, राहु जो है ना, क्या बोलते हैं, राक्षस है, और बृहस्पति जो है वो देवता है, वो शांति को लाने वाला है, वो अशांति को लाने वाला है। तो बृहस्पति बाबा कहते मुझे कहा जाता है वास्तव में वृक्षपति, मैं हूं कल्प वृक्ष का पति, मालिक, स्वामी, पूरी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला, मैं आकर सबका कल्याण करने की शिक्षा देता हूं। तो बृहस्पति को बाबा क्या कहते हैं, वृक्षपति, और वो हूं मैं, तो ये मेरा दिन है। ना जानने से फिर वर्षा कैसे मिल सकता है। तुम यहां जब बैठते हो तब अशरीरी होकर बैठो, समझ गए बात को, ये तो ज्ञान मिला है, आत्मा अलग है, कर अलग है, पांच तत्व का पुतला शरीर बनता है, उसमें आत्मा प्रवेश करती है, सब का पार्ट नुंदा हुआ है। पहले पहले मुख्य बात ये समझानी है कि बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, लौकिक बाप टीचर गुरु का कंट्रास्ट बताने से झट समझेंगे, डिबेट नहीं करेंगे। आत्माओं के बाप में सारा ज्ञान है, ये खूबी है, वही हमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आगे ऋषि मुनि आदि, आगे ऋषि मुनि आदि तो कहते थे हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, क्योंकि उस समय वे सतो थे, हर चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आती ही है, आती ही है, नई से पुरानी जरूर होती है। तुमको इस सृष्टि चक्र की आयु का भी मालूम है, मनुष्य ये भूल गए हैं कि इनकी आयु कितनी है। बाकी ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बनाते हैं, बहुत गपोड़े लिख दिए हैं, सबका बाप तो एक ही है, सदगति दाता एक है, गुरु अनेक। सदगति दाता तो एक है, परंतु गुरु दुनिया के अंदर क्या है, अनेक है। सदगति करने वाला सतगुरु तो एक ही होता है, सदगति करने वाला सतगुरु तो केवल एक ही होता है। सदगति कैसे होती है, कौन बताएगा, सदगति कैसे होती है, शिव बाबा, जितना हम अकर्म का खाता जमा करेंगे उतनी हमारी सदगति होगी। वे भी तुम्हारी बुद्धि में है, आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही सदगति कहा जाता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही सदगति कहा जाता है। वह थोड़े मनुष्य ही होते हैं, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। वहां तो सिर्फ देवताओं का राज्य होगा, फिर डायनेस्टी वृद्धि को पाती है। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण द सेकंड, लक्ष्मी नारायण द थर्ड चलता है। कितने चलते हैं लक्ष्मी नारायण, सात, आठ, कितने चलेंगे, कितने राजा बनेंगे, आठ चलते हैं। एक कितनी देर तक राज्य करेगा, 150 साल तक, पैदा होते राजा बन जाएगा, पैदा होते ही राजा बन जाएगा क्या, पैदा होते कृष्ण राजा नहीं बनता,
35 साल की उम्र में राजा बनता है। 35 साल की उम्र में राजा बनेगा तो कितना समय राज्य करेगा? स्वेच्छा से अपने आयु छोड़ते हैं ना, 150 साल। वहाँ पर ऐसे ऐसे मूर्ख, वहाँ ऐसे मूर्ख नहीं होते कि मरने तक राजगद्दी पर बैठे रहे, हम जेल में भी जाकर के अपना राज्य चलाते रहेंगे, ऐसे नहीं चलता है वहाँ। वहाँ सिर्फ 30-35 साल राज्य करते हैं, फिर उनका बच्चा 30-35 साल का हो जाता है, उसको सिंहासन पर बिठाते हैं, या जो योग्य होता है उसको सिंहासन पर बिठाते हैं, वो फिर ऊपर से देखभाल करते हैं, फिर खुद जंगल में चले जाते हैं छोड़ के, सम करते रहना राज्य। बस जितनी टाइम तक गृहस्थ आश्रम रहता है उतने समय तक वहां राज्य करते हैं बस। उसके बाद 60 वर्ष के में आयु में वानप्रस्थ बन जाते हैं ना। हाँ, वहां पर यह कि 70 में बन जाते होंगे, मतलब कहने का है 75 में बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 30-35 वर्ष ही राज्य करेंगे, उसके बाद दूसरे को राज्य संभाल देंगे। 25 साल के बाद तो करेंगे। तो भाई, 25 साल के बाद भाई जी, फिर तो 8 से ज्यादा गद्दियां होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, यही बात सोचने वाली बात है ना, क्योंकि एक राजा बनेगा, आप 35 साल तक राज्य किया, 40 भी लगा लो कि 40 साल भी कोई राज्य करे तो 1250 साल के अंदर नहीं, 30 राजा बन जाएंगे। 1200 को 40 से भाग करो तो 30 राजा बन जाएंगे, ठीक है कि नहीं? तो ये याद रखना है कि 8 सिर्फ कह देते हैं, लंबा चौड़ा हिसाब ना बताना पड़े। एक राजा होगा, एक भारत के अंदर एक ही राजा होगा ना? राजा तो एक होगा शुरू में, क्योंकि पब्लिक ही थोड़ी सी होगी तो राजा भी एक ही होगा, परंतु धीरे धीरे जब जनसंख्या बढ़ेगी, सोचो कि 2 करोड़ हो जाएगी, तो फिर राजा ढेर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? भाई एक राजा उस समय अपने एरिया का राजा बनेगा ना, एक विश्व का एक होगा, उसके नीचे अलग अलग स्टेट बाय स्टेट होंगे ना। विश्व ही एक होगा, धरती ही एक होगी, खंड ही एक होगा, दूसरा तो कोई खंड ही नहीं होगा ना जहां जाके राज करेंगे। परंतु ये है कि उस खंड में जो दूर दूर हो जाएंगे तो वहां छोटे छोटे राजा अपना संभालेंगे और बड़ा एक राजा होगा, ठीक है? ये बताओ ना कि राजा फिर वो कब से बनेगा, 23 साल से, 25 साल? नहीं मेरे भाई, 33-35 साल के बाद, 4 हिस्से करो ना, 150 को लगभग 4 हिस्से करो, 150 का हम 4, जैसे 100 के 4 से करते 25-25, तो वहां 150 साल एवरेज ले जाए तो उसको 4 से कर दो तो 33, क्या बोलते हैं, 4 से 75 हो गया ना, आधा, वो 75 का आधा हो गया 37-38 साल, कोई भी 40 साल तक राजा बनेगा, ठीक है कि नहीं? 24-25 राजा बनेंगे जितने भी, मतलब समझ लो 40 साल में वो राजा बनेगा, फिर 60 साल तक राजा करता है, उसके बाद 35-35 साल का राजा बनेगा, 40 साल का राजा बनेगा, 35-35-40 साल तक राज्य करेगा, फिर तब तक उसकी उम्र तो 70-80 के करीब हो जाएगी। हाँ, फिर वो राज्य छोड़ करके, राजा जो बनेगा उसको देखभाल करेगा, ठीक है? और उसके बाद फिर जो है ना, क्या करेगा, अपना वानप्रस्थी बन जाएगा ताकि अपना जीवन श्रेष्ठ बना सके। तो ये बाबा वैसे बता दिया कि जैसे जार्ज फर्स्ट, जार्ज सेकंड, जार्ज थर्ड होता है, ऐसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड 8 राजा बाबा कह देता है। जब फर्स्ट होगा तो इतने थोड़े मनुष्य होंगे, ये ख्यालात भी सिर्फ तुम्हारे चलते हैं, ये तुम बच्चे समझते हो, ये तुम बच्चे समझते हो, भगवान तुम सभी आत्माओं का बाप ही, वो है बेहद का बाप, हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। 21 पीढ़ी स्वर्ग की बादशाही, 21 पीढ़ी अर्थात जब बुढ़ापा होता है तब शरीर छोड़ते हैं, वहां अपने को आत्मा जानते हैं, यहां
देह अभिमान होने के कारण जानते नहीं कि आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। जब देह अभिमानियों को आत्म अभिमानी कौन बनावे? अब जो देह अभिमानी बन गए हैं उनको आत्म अभिमानी कौन बनावे? आप बनाएंगे ना। इस समय एक भी आत्म अभिमानी नहीं है। बाबा जब मुरली चला रहे हैं भक्त, इस समय एक भी आत्म अभिमानी नहीं है। बाप ही आकर के आत्म अभिमानी बनाते हैं। वहां ये जानते हैं कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा छोटा शरीर लेती है। बच्चा जाकर बनेगी, सर्प का भी मिसाल है। ये सर्प, भ्रमरी आदि के मिसाल सब यहां के हैं और इस समय के हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में भी काम में आएंगे। वास्तव में ब्राह्मणिया तो तुम हो। हम क्या करते हैं? विष्ठा के कीड़ों को भूं भूं कर मनुष्य से देवता बना देते हैं। बाप में नॉलेज है ना, वही ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। सभी शांति मांगते रहते हैं, शांति देवा किसको पुकारते हैं? जो शांति का दाता है या सागर है, क्यों पुकारते? क्यों पुकारते? क्योंकि जानते हैं कि वही एक ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। वो आकर हमें इन सब गुणों से संपन्न बनाएंगे। परंतु अर्थ रहित, दुनिया वाले महिमा गाते हैं, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शांति का सागर, परंतु अर्थ रहित, अर्थ नहीं जानते। कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। 63 जन्म भक्ति करनी ही है। कितने ढेर शास्त्र हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूं, मैं शास्त्र पढ़ने से मुझे पुकारते भी हैं, आकर पावन बनाओ। ये है तमो प्रधान किचड़े की दुनिया, जो कोई काम की नहीं। क्या हुआ? जो कोई काम की नहीं। कितना दुख है। दुख कहां से आया? बाप ने तो तुमको बहुत सुख दिया था, तुम सीढ़ी कैसे उतरे? गाया भी जाता है ज्ञान और भक्ति, ज्ञान और भक्ति। ज्ञान बाप सुनाते हैं, भक्ति रावण सिखलाते हैं। देखने में ना बाप आता है और ना रावण आता है, ना बाप देखता है ना रावण देखता है। दोनों को इन आंखों से नहीं देखा जाता। आत्मा को समझा जाता है, हम आत्मा है। तो
आत्मा का बाप भी जरूर है। बाप फिर टीचर भी बनता है, और ऐसा कोई होता नहीं, और ऐसा कोई होता नहीं जो बाप भी हो, टीचर भी हो और सतगुरु भी। ऐसा कोई होता नहीं। अभी तुम 21 जन्म के लिए सदगति को चक्र लेते हो, सदगति का को चक्र लेते हो, फिर गुरु की दरकार ही नहीं रहती। अभी तुम 21 जन्म के लिए सदगति का चक्कर लेते हो, फिर गुरु की दरकार नहीं रहती। अभी तुम 21 जन्म के लिए सदगति में सदगति को चक्कर लेते हो, फिर गुरु की दरकार नहीं रहती, फिर गुरु की दरकार नहीं रहती। तुम अभी 21 जन्म के लिए सदगति को चक्कर लेते हो, फिर गुरु की दरकार ही नहीं रहती। बाप सब का फिर गुरु की दरकार नहीं रहती। बाप सबका बाप भी है तो शिक्षक भी है, पढ़ाने वाला भी है, सबका सदगति करने वाला। सत्य गुरु सुप्रीम गुरु भी है, तीनों को तो तीनों का तो सर्वव्यापी कह ना सके। तीनों को, किसको? बाप को, टीचर को और सतगुरु को, तीनों को सर्वव्यापी तो कह ही नहीं सकते, कह ही नहीं सकते। वे तो सृष्टि के आदि मध्य अंत, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं, मनुष्य याद भी करते हैं। हे पतित पावन आओ, हे पतित पावन आओ, सर्व के सदगति दाता बनो, आओ सबको सुख दो, सबके दुख हरो, सुख दो। हे गॉड फादर, हे लिबरेटर, फिर आकर गाइड भी बनो ले चलने के लिए, इस रावण राज्य से लिबरेट करो, इस रावण राज्य से क्या करो, हमें मुक्त करो। रावण राज्य कोई लंका में नहीं है, ये सारी धरनी जो है उसमें इस समय रावण राज्य है। रावण दिखता नहीं, क्या होता है रावण? रावण कोई आत्मा तो है नहीं, परमात्मा तो आत्मा है, परंतु रावण तो आत्मा भी नहीं है। ये सारी धरनी जो है उसमें इस समय रावण राज्य है। राम राज्य सिर्फ सतयुग में ही होता है, भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना मूंझ गए। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, श्रेष्ठ बनने के लिए सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, पूज्य थे, अभी तक भी उनको पूछते रहते, अभी तक भी
उनको पूछते रहते हैं। भारत पर बृहस्पति की दशा थी तो सतयुग था, अभी राहु की दशा में देखो भारत का क्या हाल हो गया है। सब अनराइटियस बन पड़े, सब क्या बन पड़े हैं, अनराइटियस बन पड़े हैं। बाप राइटियस बनाते हैं, रावण अनराइटियस बनाते हैं, कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, तो रावण राज्य में है ना, रावण राज्य में है ना, नर्कवासी हैं। रावण राज्य को नर्क कहा जाता है, स्वर्ग और नर्क आधा आधा है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। राम राज्य किसको और रावण राज्य किसको कहा जाता है, राम राज्य किसको, रावण राज्य किसको कहा जाता है। तो पहले पहले ये निश्चय बुद्धि बनाना है, वो हमारा बाप है, हम सब आत्माएं ब्रदर्स, हम सब आत्माएं क्या हैं, ब्रदर्स हैं। बाप से सबको वर्षा मिलने का हक, बाबा ने राज योग सिखलाकर सुख धाम का मालिक बनाया, बाकी सब चले गए शांति धाम, बाकी सब कहां चले गए, शांति धाम। ये भी बच्चे जानते हैं, वृक्षपति है चैतन्य शिव बाबा, सत चित आनंद स्वरूप, आत्मा सत्य भी है चैतन्य भी है, बाप भी सत्य है चैतन्य है वृक्षपति है। ये उल्टा झाड़ है, ये उल्टा झाड़ है, वे उल्टा झाड़ है ना, इसके बीज ऊपर में है। बाप ही आकर समझाते हैं, जब तुम तमो प्रधान बन जाते हो तब बाप आते हैं क्या करने, सतो प्रधान बनाने आते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुमको कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी, अंग्रेजी अक्षर नहीं बोलो, हिंदी में भी है, अंग्रेजी तो सब लोग पढ़ते ही हैं, समझते हैं। भगवान ने गीता संस्कृत में सुनाई, जब श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, वहां वे भाषा थी, हाँ संस्कृत नहीं थी, वहां ये भाषा थी नहीं, ऐसे तो लिखा हुआ नहीं है। बाबा से पूछा जाता रहा, बाबा कहते मैं नहीं बताऊंगा, भाषा है जरूर, जो महाराजा होते हैं उसकी भाषा, सतयुगी राजाओं की भाषा अपनी अपनी होगी, संस्कृत वहां नहीं, इंग्लिश में नहीं है, संस्कृत में नहीं है, इंग्लिश तो खराब आई है। सतयुग की रसम रिवाज को, रिवाज ही अलग है, कलयुगी मनुष्यों की रसम रिवाज अलग। तुम सब मीराएं हो जो कलयुग के अंत में बैठी हो, जो कल
कलयुग लोक लाज कुल की मर्यादा पसंद नहीं करता, वो तुम कलयुगी लोक लाज छोड़िए। तुमको बाप ने श्रीमत दी है, काम महाशत्रु है, इस पर जीत प्राप्त करो तो जगत जीत बन जाएंगे। जीत प्राप्त करो तो जगत जीत बन जाए। ये चित्र भी सामने है, तुमको तो बेहद के बाप से राय मिलती है कि विश्व में शांति स्थापन कैसे होगी। ठीक है, शांति देवी देवता हो गए, शांति देवा कहने से बाप ही याद आता है। बाप ही क्या करता है, मैं शांति स्थापन कैसे होगी, शांति देवी देवता, शांति याद का देवी देवता बाप ही, देवा कहने से बाप ही। बाप ही शांति देवा कहने से कौन याद आएगा, बाप याद आएगा। बाप ही आकर कल्प कल्प विश्व के विश्व में शांति स्थापन करते हैं। कल्प की आयु लंबी चोरी करती मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े। पहले पहले तो मनुष्यों को यह पक्का निश्चय कराओ कि वो हमारा बाप है, फिर उनको कहो कि तुम टीचर। तुम बच्चे जानते हो बाप कैसे आकर हमको पढ़ाते हैं, तुम उनकी बायोग्राफी को जानते हो। बाप आते ही हैं नरक को स्वर्ग बनाने, टीचर भी है फिर साथ भी ले जाते हैं। आत्माएं तो अविनाशी हैं, आत्माएं तो अविनाशी हैं, वे अपना पूरा पाठ बजाकर घर जाती हैं, ले जाने वाला गाइड भी तो चाहिए ना। दुख से लिबरेट करते हैं, फिर गाइड बन सबको ले जाते हैं। दुख से लिबरेट करते हैं फिर गाइड बन सबको घर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, कलयुग लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना चाहते। कुल की मर्यादा छोड़ ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना है,
अशरीरी बाप जो सुनाते हैं वो अशरीरी होकर सुनो, सुनने का अभ्यास करो। वे अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास पक्का करो। बेहद का बाप, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये कंट्रास्ट सभी को सभी का है ना, बेहद का बाप, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये कंट्रास्ट ये सभी मनुष्यों को चेक कराना चाहिए, समझाना है, ये सिद्ध करना है कि बेहद का बाप, बेहद का पवासा। ये सिद्ध करना है कि बेहद का बाप सर्वव्यापी नहीं है। वरदान, हद के नाज नखरों से निकल रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भाव। कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बोध करते हैं। स्वभाव और संस्कार, ये शब्द आता है, वहां ऐसी बात, ऐसे नखरे नाज नबेले नहीं शुरू हो जाते हैं। ये पतित दुनिया है तो वहां ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। ये मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, लेकिन जो बाप से भिन्न हैं, अलग हैं, वो मेरे हैं ही नहीं। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं हो सकता, भिन्न नहीं हो सकता। इसलिए हद के नाज नखरों से निकल रूहानी नाज में रहो, प्रीत बुद्धि बन, मोहब्बत की प्रीत को पहनाओ, मोहब्बत की प्रीत के नखरे भल करो। लोगों ने बाप से सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत बहुत अच्छी तरह होगी। बाप से सेवा से परिवार से सबके साथ रहते हुए मेहनत शास्त्र करते हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से किसी भी सेवा केंद्र पर कार्यक्रम करें, संपर्क करें, फोन नहीं करें। ओम शांति।